यीशु ही वादा किया होंदा मसीहा। जब परमेश्वर संसार बनावा तो सब कुछ अच्छो थो, कुछ पाप नहीं था। आदम और हवा एक ही दूजे दो प्यार करो थे और से परमेश्वर दो प्यार करो थे कि बीमारियां मौत नहीं थे। परमेश्वर एरो ही संसार चाह था। शैतान ने सांपरे द्वारा बगीचे दो हवा दो बात की क्योंकि सैतियों धोखा देना चाह था। तब हवा और आदम परमेश्वर के खिलाफ पाप किया क्योंकि तेने पाप किया था। ए रिताई धरती गए रोने बाध्य जन मरो क्योंकि आदम और हवे पाप किया था। ए रिताई कुछ और भी बुरो सह परमेश्वर दुश्मन बन गए जिनरा परिणाम स्वरूप तब दो हर एक जन है पाप किया। हर एक जन जन्म दही परमेश्वर दुश्मन हो। परमेश्वर और मच्छर भी चद शांत नहीं थे पर परमेश्वर शांत स्थापित करना चाह था। परमेश्वर वादा किया कि हवेरा एक वंश शैतानों मुंड ची चला। तेनिया जो भी बोलो कि शैतान तिहार फैन डसला। दूजे शब्द दो शैतान मसी पूरे जांगला पर परमेश्वर तेस दुबारे दो जीवदा कर दियला। यही बस ये मसी शैतान और शक्त हमेशा रिताई खत्म कर दियला। कई सालों बस ये परमेश्वर प्रकट कियो कि से मसी यीशु हो। परमेश्वर तेस बाड़ा दो अपना परिवार बचावा जस से अपना थिया। नुह दो एक नाव बनाने रिताई बोलो कि से इसी तरह परमेश्वर ते नमा छो बचाओ जो तेस गाय विश्वास करो थे। इसी तरह से बाधे बाधे परमेश्वर द्वारा पूरे जांगने रह योग्य थे क्योंकि तेने पाप किया था। पर परमेश्वर तेन सभी बचाने रिताई यीशु देवा जो तेस गाय विश्वास करो। सैकड़ों सालों ताई याजक परमेश्वर ताई बलिदान चढ़ाते रहे। ए दर्शाओ कि मछ पाप किया और है कि से परमेश्वर द्वारा तेनो सजा देने रह योग्य थे पर से बलिदान तेनरे पाप माफ नहीं कर सकते। यीशु सभी बड़ा महायाजक तेनिया से कियो जो कुए याजक नहीं कर सकते। तेनिया से एकमात्र बलिदान देने ताई अपने आप दे पिया जो हर कसी रे पाप मिटा सकते। तेनिया स्वीकार कियो कि परमेश्वर ते नबादे रे पाप रिताई ते सजा देला। एजे कारण यीशु महान महायाजक थे। परमेश्वर अब्राहम दो बोलो आ तेरे द्वारा संसार रे बादे कुलो आशीष देवला। यीशु जय अब्राहम रा वंश थे। परमेश्वर अब्राहम रे द्वारा बादे कुलो आशीष दे क्योंकि जो यीशु गाय विश्वास करो परमेश्वर ते ने बाधे पाप दब चाह। जब माछ यीशु गाय विश्वास करा तो परमेश्वर ते न अब्राहम रे वंशज माने। परमेश्वर अब्राहम द बोलो कि से अपना इकलौता बेटा तेसरी ताई बलिदान कर दे पर तब परमेश्वर ईसा करे बदले द बलि करने ताई एक मेमना दीता। हमें बाधे अपने पापरी ताई पूरे जांगने रे योग्य थे पर परमेश्वर हमारी जगह गए मोनरी ताई यीशु बलिदान रे रूप दा दीता। ए जई कारण हमें यीशु को परमेश्वर रा मेमना बोलो। जब परमेश्वर मिश्र गए अंतिम विपत्र डेव ततेनिये हर एक इजरायली परिवार द बोलो कि से एक ही मेमने रे बल करो तेस मेमने दा कोई दोष नहीं होना चाहिए। तब अपने दरवाजे रे चौकट गए और बगलो द तेनरो लहू लाणो थे। जब परमेश्वर से लहू देखो तो तेनरे गौर दो आगू बढ़ गुआ और तेनरे जेठे बेटे नहीं जांगे। जब हो तो परमेश्वर से फसरा त्योहार बोला। यीशु फसरे त्योहारों के रे एक मेमनरी तो रहे हो तेनिये कभी पाप नहीं किया। ऐरी ताई तेस तो कुछ भी गलत नहीं थे। से फसरे त्योहार रसमें गए मोरा। जब यीशु गए विश्वास करो तब यीशु रा लहू तेस मच्छर पापर कीमत चुकाओ। ए हेरव जे रो कि परमेश्वर तेस मच्छा को दो आगू बढ़ गुआ क्योंकि से तेस सजा नहीं देंदा। परमेश्वर इजरायली रे मच्छ सीता एक वाचा बन क्योंकि से रे मच्छ थे जो परमेश्वर अपने होने रिताई चुने थे। पर एबे परमेश्वर एक हेर वाचा बन जो कि
सब भेरिताई हो। अगर कौन जीवी जातिरा कुएं बीजन एजी नई वाच्य स्वीकार करो तो से परमेश्वर रे मछदा शामिल हो जाला। सह रोए रिताई करो क्योंकि से ये सुगा विश्वास करो। मूसा एक भविष्य वक्ता था जनिय परमेश्वर रा वचन बड़ी शक्ति द प्रचार किया था। पर यह शुभा दे भविष्य वक्त मुद द शब्द बढ़ाओ सह परमेश्वर ए रिताई जो कुछ भी तनिय कियो और बोलो सह परमेश्वर रो काम और वचन थे। ए रिताई पवित्र शास्त्र यीशु परमेश्वर रा वचन बोलो। परमेश्वर राजा दाऊद द वादा किया था कि राजा रे रूप दा तेसरा एक वंशज परमेश्वर रे माछ गए हमेशा रिताई राज करोला। यीशु परमेश्वर रा बेटा और मसीह ए रिताई से राजा दाऊद रा वंशज और जू हमेशा रिताई राजा कर सको। दाऊद तो इजराइली रा राजा था पर यीशु सारे संसार रा राजा सह द्वारे दहला और हमेशा रिताई न्याय शांति सीता अपना राजा गए राज करोला। उत्पत्त 1:3-6, 14-22 निर्गमन 12:20-2 शमूएल 7 इब्रानियों 3:1-4-14-5-10-7-1-8-13-9-11-10-18 प्रकाशित वाक्य 102 एक बाइबल कहानी।